हमारी बेटी यहाँ से निकली है 6:05 पर कोच एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। एक्स्ट्रा क्लास संडे को कराया जाता था? हाँ। पहुँची है या नहीं? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं मिला। हम 11 फ़ोन किए हैं तब हमको पता चला है कि आपकी लड़की स्कूल में नहीं आई है। कौन लड़की थी? सहेली थी, उसी से बात हुआ था। क्या नाम था उसका? मुस्कान। कहाँ की थी वो? वहीं उधर ही की है। हमारी बेटी सुरक्षित हमारे पास आ जाए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कल से लेकर इस समय तक। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है पुलिस थाना कोई भी? कोई नहीं किया है इस समय तक, कोई जांच नहीं हुआ है हमारी बिटिया कहाँ है। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर के ही ग्राम सभा में और यहाँ पर एक लड़की जो है कि कल कोचिंग करने सुबह गई 5 और 5 से 6 के बीच में उसका अपहरण हो जाता है और उस लड़की के घर वाले पूरे घर वाले जो हैं रो रो करके बुरा हाल है, रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे आखिर वो लड़की गई और कोचिंग जो कि कल संडे भी था और संडे के दिन कौन सा कोचिंग चल रहा था या एक्स्ट्रा क्लासेस जो होते हैं कोचिंग जो होता है वो कराया जाता है लोग बता रहे थे। इनसे जानेंगे इनकी माता जी हैं क्या कैसे हुआ था। हमारी बेटी यहाँ से निकली है 6:05 पर कोच एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। एक्स्ट्रा क्लास संडे को कराया जाता था? हाँ। कौन की कहाँ पे हो? मिडास स्कूल में। मिडास में कौन है उसके टीचर? कौन थे? पिंटू सर हैं। अच्छा, तो वो जब यहाँ से निकली तो जानकारी मिली कि क्लास में पहुँची है या नहीं, कोचिंग में पहुँची है या नहीं? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं मिला। हम 11 फ़ोन किए हैं तब हमको पता चला है कि आपकी लड़की स्कूल में नहीं आई है। अच्छा, 11 आप इंतज़ार करके उसके बाद फ़ोन की तो पता चला कि नहीं आई है? हाँ। रोइए मत। देखिए माँ जो है, माँ की ममता जो है कहीं ना कहीं बेटी जो है कल अगर जो कहीं अपहरण किसी ने किया इन लोगों को शक बन रहा है लेकिन इसमें प्रशासन के लोग छानबीन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मामला है वो सामने आ जाएगा। लेकिन घर के लोगों का हालत काफ़ी ख़राब है, देख लीजिए ये पूरे परिवार के लोग हैं, रोते बिलखते लोग हैं। दिखा दीजिए थोड़ा सा कि सभी लोग रो बिलख रहे हैं क्योंकि लड़की जो है डेली कोचिंग जाती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस उसका जो है चलता था और उसका जो है कि हमेशा आना जाना लगा रहता था। इससे पहले लोग बता रहे थे कि एक कोई लड़की फ़ोन की थी सुबह। कौन लड़की थी? सहेली थी, उसी से बात हुआ था। क्या नाम था उसका? मुस्कान। कहाँ की थी वो? वहीं उधर ही की छावनी की तरफ से। लड़की का कहीं कुछ ऐसा अफेयर वगैरह तो नहीं था ना? चाची सही बताइए, सही बताइए, अगर जो कुछ ऐसा हो तो बताइए। फोन पे कभी बात हुआ था तो हम उसको बहुत डांटे थे। हाँ, तब से वो बात नहीं करती थी। किसी लड़के पे शक है? नहीं, इधर का लड़का नहीं है वो। हाँ। कहीं दूर का है। दूर का है, उसको जानती है? नहीं, नहीं जानती हैं। नंबर वगैरह पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। इनको कहीं ना कहीं शक है कि कोई लड़का या कोई उस लड़की को बाला फुसला करके या कोई रंजिश बस जो होता है कि उसको अपहरण कर लिया हो और कहीं ना कहीं डर भी है कि जो है कि जो लव जिहाद चल रहा है उसमें जो एक मुस्लिम लड़की है वो लड़की इस लड़की की सहेली थी, कहीं उसके झांसे में न आकर के कुछ ऐसा कदम उठा लियो और कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकता है, कोई घटना घटित हो सकता है, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं लोग। डर बना हुआ है, डर है ना परिवार में? क्या चाहती हैं योगी सरकार से? हमारी बेटी सुरक्षित हमारे पास आ जाए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कल से लेकर इस समय तक। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है पुलिस थाना कोई भी? कोई नहीं किया है इस समय तक, कोई जांच नहीं हुआ है हमारी बिटिया कहाँ है। जरा सोचिए कि माँ रो रही है, पूरा परिवार रोता भी लगता है यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ जो है कह रहे हैं लोग कि शासन प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं मिला, अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया और लड़की की कोई जो है गुमशुदगी भी इन्होंने दर्ज करा दी है और वहाँ लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं लग पाया कि वो लड़की आखिर है कहाँ। इन लोगों का डर है कि कहीं अप्रिय घटना न घट जाए, जो कि लड़की नाबालिग है और 16 साल उम्र है, जो कि ऐसा भी डर है कि कोई बाला फुसला करके भी ले जा गया होगा, जो कि कुशीनगर से एक हाटा का भी घटना हमने आपको दिखाया था जो कि ऐसा ही घटना 16-17 साल की लड़की थी और उसको
चार अलग समुदाय के लोग लेकर के जाते हैं और उसके साथ गलत भी करते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं दूसरे देश में। ऐसा भी घटना, इन लोगों को डर है कि सेम घटना हमारे बेटी के साथ ना हो जाए। भगवान से ये लोग भी गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर जो लड़की मैं स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ उस लड़की का कहीं भी दिखे आपको, तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या लोगों को जो ऐसे लोग हैं या उस लड़की को पकड़ के, और नंबर भी इस पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर सूचित करें ताकि इस जो परिवार का जो अमन चैन और खुशी है वो वापस मिल सके। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कैसे कब घटना हुआ था? सुबह में 6:05 पर वो घर से निकली है और हम लोग अपने दैनिक काम में लग गए हैं, लेकिन जब वो स्कूल से उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था, 6:30 पे उसका स्कूल था और 9:45 पे उसको छोड़ना था, तो 9:45 के बाद हम लोग 10:15 के आसपास हम उनके कॉल किए हैं कि वह हमारी बच्ची क्यों नहीं आई, तो वहाँ से स्कूल से जवाब मिला कि वो आज आई ही नहीं थी, तब हम लोग खोजना शुरू किए उसको। ये रास्ते में जब जा रही थी तो रास्ते में कुछ सुनसान भी जगह पड़ता है क्या? सुनसान जगह है मेदांता हॉस्पिटल के, मैंने जहाँ घटना स्थल है वहाँ सुनसान की इलाका है। किस स्कूल में पढ़ती थी? मिनास जूनियर हाई स्कूल। किसके कोचिंग सेंटर में गई थी? उन्हीं के स्कूल में गई थी, वही बुलाए थे। पिंटू सर हैं। पिंटू सर है। तो आपको जानकारी हुआ कि मतलब वो आई ही नहीं थी? हाँ। कोई लड़की बताया जा रहा है कि उसकी सहेली थी जो फ़ोन की थी? हाँ, उसकी सहेली से बात हुआ था, मुस्कान नाम है उसका। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? कांटी की रहने वाली है। मुस्कान के पिताजी क्या नाम है? ये नहीं बता पाएंगे हम। बस किसी पे शक है आपका? नहीं, किसी पे हमको शक नहीं। कोई ऐसा शक बन रहा है कि किसी से दुश्मनी वगैरह जो? नहीं, ऐसी कोई हमको रंजिश वगैरह हो किसी पे नहीं है। नहीं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार कुशवाहा।